था ये, ईद नमाज किया थे 9:30 बजे और दलिया बना के खाया था दोनों ही पूरी, और लाइट वगैरह सारी जल रही थी तो वो लेकिन लाइट नहीं जलानी, जैसे मैं सोचता हूँ जिस कमरे में अपन है उसी के जलानी है, ज्यादा की नहीं जलानी, तो ये थिंकिंग इक्वल है हमारी, मतलब सेम एनर्जी वाला सिस्टम है। और चाय पिला दी मेरे को बना के, ये थोड़ी बच गई तो ये रखती, तो अभी सफाई करते हैं थोड़ी किचन की, तब तक हमारा रसोई आ जाएगा। 6 बज गए हैं, चाय पी ली है, नाना जी ने बनाई थी, वो घूमने चले गए अभी दोनों जने, तो थोड़ी सी चाय बची हुई है यहाँ पर, ये मेरा मन नहीं पीने का, मैंने पी ली। थोड़ी सी सफाई करते हैं उसके बाद आ जाएगा रसोई अपना, फिर देखते हैं क्या रहता है, तो चलिए झाड़ू से निकाल देते हैं, थोड़ी सफाई अपनी ही है तो अपने को ही रहना है अपना, तो ये तो कर ही देते हैं झाड़ू झाड़ू। मैं सोया था यहाँ पर, यहाँ पर कूलर लगा हुआ था, यहाँ सो गया था मैं, अभी बाहर निकाल दिया कूलर, और ये दोनों सोए थे यहाँ पर। ओम आ गया है और खाना उसने नहीं बनाया, थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन झाड़ू वाड़ू बर्तन साफ ये हुआ है, बाकी हम साथ लग के काम करवा रहे हैं, और अभी जा रहे हैं अपन पोस्टर लगवाने। ये गाड़ी खड़ी तो कितना है वे? किधर था? क्या कर रहा है ये फोन पकड़ रखा है मैंने ऊपर, वीडियो बना रहा है ना, तो बस ऐसे दिखा रहा हूँ पंखा, दिखा मुझे पता है वीडियो बना रहा है, नहीं तो क्या हो गया? क्यों बना रहा है? पंखे मार रहा हूँ देख। अरे क्यों बना रहा है ये तो बता दे। मेरी मर्जी। फिर बारिश सही आ गई ठीक ठाक। ये पानी कहाँ से आ गया? ये देखो पानी टप कर रहा है, बंद ही करना पड़ेगा, इसको खोल देते हैं, खुल रहा रहेगा नहीं है बस अब। और ये यहाँ पर लगा रखी भी सुबटी मैंने देसी करला कार। सब पहली बार गाड़ी में कुछ ड्राइवर मान गया भाई, गॉड साहब अकम्पलिश्ड। 15 15 पीछे बारिश बिल्कुल नहीं, यहाँ बारिश फुल है। यहाँ बारिश फिर से रुक गई आके, धूप निकल चुकी इतने बार में, इतनी देर में जाने वाले जा रहे हैं। ये जाएंगे गांव में मामा जी और कुछ साथी विकास। मौसम जबरदस्त बारिश का हो गया है और 7 बजने वाले से हम गए गांव में, गए थे एक में तो 30-40 कॉन्टेक्ट लेके आए हैं आगे प्रोसीड करने के लिए, समाज सेवा को आगे बढ़ाने के लिए। तो गाड़ी मैंने चलाई थी और आंखों में भयंकर जलन हो रही है, कुछ लैपटॉप पे काम किया, कुछ मोबाइल पे काम किया, सारा काम तो कैसे होगा। तो गाड़ी तो चलाई है 19-20 किलोमीटर, मतलब 40 किलोमीटर हो गई टोटल, आंखों में जलन हो रही भयंकर वाली। तो फिलहाल जो है बारिश आने वाली है और खाना बनाने वाला कोई है नहीं,
वो जा चुका है, कल ही जा लिया था। तो अभी सिस्टम है कि मैं और गोड साहब हैं, नाना लगते हैं अपने, तो बोल रहे कि गोड साहब बुलाओ। गोड साहब हैं, बाकी दो मेंबर और हैं, नाना श्याम सुंदर जी और पुनिया जी, तो वो बाहर गए हुए हैं अभी मीटिंग वगैरह के लिए। तो दो का खाना बनाना अपने को, और आटा लगाना पड़ेगा, पता नहीं कैसे लगेगा, मेरे को तो आता ही नहीं, बाकी सब कुछ हो जाता है, घर पे सीखा हुआ सारा अभी काम आ रहा है, कितने दिन और मैनेज हो पाएगा पता नहीं। कोई मेहमान आता है तो मतलब पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, तो ये सिस्टम चल रहा है फिलहाल, जब तक तो कोई आता नहीं तो ये करते हैं। और मौसम ज़बरदस्त हो रखा है, मैं बैठा हूँ अभी बाहर, लाइट है नहीं, कम से कम 2-3 घंटे हो गए लाइट आए हुए, तो बारिश दी बदल ले गया, बिल्कुल काले घटा साई हुए है। एक बार तो गाड़ी में तब आई थी बारिश, लेकिन यहाँ पर बूंद भी नहीं थी, वो भी कभी कहीं थी, एक गाँव में सूखा था, उसे अगले वाले में बारिश, फिर आगे सूखा, ऐसे था। चलिए अब खाना बनाने का कुछ करते हैं जुगाड़, क्या बनाना है, सब्जी तो बिल्कुल नहीं आती बनाने मेरे को, कपड़े चेंज करते हैं और करते कार्यक्रम स्टार्ट। मैंने आटा छाना था, गोड़ साहब ने लगा दिया, फिर मैंने सब्जी काटी, गोड़ साहब ने बना दी, और अब मैं बना रहा हूँ रोटियाँ। तो बस दो ही जने हैं, बाकी दो बंदे जो हैं हमारे वो आएंगे बाद में, तो सब्जी बनने वाली है। ऊपर पानी रखा हुआ है गर्म करने के लिए, एक थोड़ी लस्सी की बोतल अपने पास ये वाले, तो इसके अंदर डालेंगे पानी को, ये साफ हो जाएगी, इसलिए मैंने इसके अंदर इसलिए इसको रखा है। ओहो हो हो हो, जलेगी क्या बच्चे भाई, गोड़ साहब और मैं, मस्त लस्सी ठंडी ठंडी, आलू सब्जी बिना छिलके उतारे बनाई है।